यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने रामचरितमानस, पंचतंत्र और श्री हृदयलोक लोकन को वैश्विक मान्यता दे दी है। इन साहित्यिक रचनाओं को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल कर दिया गया है। द मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड इंटरनेशनल एडवाइजरी और एग्जीक्यूटिव बोर्ड की तरफ से रिकमेंड किए गए दस्तावेजों को वैश्विक महत्व और यूनिवर्सल वैल्यू के आधार पर इस लिस्ट में शामिल करता है। वही रीजनल रजिस्टर में शामिल दस्तावेजों को विश्व स्तर पर पहचान बनाने में मदद मिलती है, साथ ही एक देश की संस्कृति दुनिया के कई देशों तक पहुंचती है। बता दें कि इन रचनाओं को दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट की तरफ से रीजनल रजिस्टर के लिए नामांकित किया गया है।